अभी लोकसभा चुनाव 2019 का युद्ध अनुमान में सुरमाओं ने तलवारें निकाल रखी है, एक दूसरे पर तीर तरकस से वार कर रहे हैं। इतना नहीं, चुनाव प्रचार में गृह स्तर के शब्दों का प्रयोग भी किया जा रहा है, जो प्रजातंत्र के पतन का प्रतीक बन गया है। सवाल यह है कि बोलने की अभिव्यक्ति में किनका योगदान रहा? आज का युवा वर्ग कहता है कि मिर्धाओं ने क्या किया, उन्हें इतिहास का पता नहीं है। जब वो समय था कोई बोल नहीं सकता था, तब वह बोले थे। आज वो समय है, हर कोई बोल सकता है, किंतु जहाँ जरूरत पड़ी हम नहीं बोले थे। मिर्धाओं का सभी किसानों पर फर्जन छड़ा हुआ है, कोई किसान की कौम नहीं होती, सभी 36 कौमें किसानों की है। मारवाड़ की पावन धरती पर ग्राम कुचेरा में 17 जनवरी 1899 में मंगलाराम जी मिर्धा के घर ग्राम 19वीं सदी के अंत में होनहार बालक बलदेव राम मिर्धा का जन्म हुआ था, तथा 20वीं सदी की शुरुआत में ग्राम कुचेरा में थाना राम जी मिर्धा के घर नाथुराम जी मिर्धा का जन्म 20 अक्टूबर 1921 को हुआ था। बड़े होने पर इन दोनों विभूतियों ने मारवाड़ के ही नहीं, राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में किसान केसरी ही नहीं, किसानों के मसीहा के रूप में नाम रोशन किया। बलदेव राम जी मिर्धा की शिक्षा पूर्ण होने के बाद तत्कालीन मारवाड़ रियासत में 1912 में जनसंख्या विभाग में नौकरी करते हुए जोधपुर गवर्नमेंट में पुलिस विभाग में DIG पद पर पहुँच गए थे। उस वक्त देश की आज़ादी की नेतृत्व में श्रम सीमा पर थी। वक्त की नज़ाकत, किसानों की दुर्दशा देखकर सन 1943 को DIG के ऊंचे पद को त्याग कर किसान आंदोलन में मिर्धा जी कूद पड़े। 25 जुलाई 1943 को जोधपुर में किसान सभा का गठन कर पंजाब के तत्कालीन राजस्व मंत्री सर छोटूराम जी को आमंत्रित किया। मारवाड़ के चप्पे चप्पे में किसान आंदोलन की अलग जगाई। 1953 को लाडनू की विशाल किसान सभा सम्मेलन में हृदय गति रुक जाने से विमान विभूति बलदेव राम मिर्धा का निधन हो गया। बाबा नाथुराम जी जब 6 वर्ष के थे तब इनके पिता का निधन हो गया था। इनके छोटे भाई हरिराम जी थे, जिन्होंने भारतीय सेना में देश की सेवा की थी। बाबा साहब डॉक्टर बनना चाहते थे, किंतु बलदेव राम जी मिर्धा ने उन्हें प्रेरणा दी कि वक्त की नज़ाकत व किसानों की दुर्दशा को देखते हुए तुम्हें वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। किसानों को राजाओं व सामंतों से मुक्ति दिलानी है तो कानून की पढ़ाई करना जरूरी है। तो बाबा ने संकल्प किया कि किसान की मुक्ति के लिए मैं वकालत ही करूँगा। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की। सर 1944 में जोधपुर में बतौर वकील के किसानों की सेवा शुरू कर दी। उन्होंने संपूर्ण मारवाड़ में दौरे किए। मारवाड़ के किसानों ने अपने युवा वकील को दिलों और दिमाग आंखों में बसा लिया। 15 और 16 दिसंबर को किसान सभा के तीसरे सम्मेलन में उनको किसान सभा का सचिव बनाया गया। 3 मार्च 1947 को जोधपुर में जोधपुर गवर्नमेंट की लोकप्रिय सरकार में बाबा को कृषि मंत्री व पंचायत राज मंत्री बनाया गया। 4 दिसंबर 1948 को मंत्रिमंडल में उन्हें राजस्व मंत्री बनाया गया। 19 दिसंबर 1948 को राजस्व कानून में बदलाव करके देशी रियासतों में सामंतों से मुक्त करा दिया। 15 दिसंबर 1948 को जमींदारों से न्यायिक अधिकार समाप्त कर दिए। 14 फरवरी 1949 को जमींदारों का लगान वसूली अधिकार भी समाप्त कर दिए। 16 अप्रैल 1949 को किसानों की जमीन का मालिकाना अधिकार दिया, जो उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। 7 अप्रैल 1949 को हीरालाल शास्त्री जब भारत के राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने, उनकी सरकार में बाबा के प्रयास से जमीनों किसानों को जनता के मतदान से बनी। पूरे मारवाड़ में जोधपुर में 28 वर्षीय राजा हनुमान सिंह ने कांग्रेस को हरा दिया, किंतु नागौर जिले की 4 सीटें बाबा नाथुराम के बल पर ही कांग्रेस जीत पाई थी। प्रजातंत्र तरीके से चुनी हुई सरकार में बाबा शिक्षा वित्त एवं निर्माण मंत्री बने। वित्त मंत्री रहते हुए बाबा ने पहले बजट में सामंतों जमींदारों को दी जाने वाली सुख सुविधाएँ बंद कर दी। 4 विधानसभा
विधानसभा में 4 बार चुने गए, 6 बार संसद चुने गए। आपातकाल के बाद उत्तर भारत की 200 सीटों में सिर्फ बाबा ही जीत सके और बीबीसी बुलवाई। बाबा नहीं ये आंधी है, राजस्थान का गांधी है, ये नारा उस वक्त के हर इंसान के दिल में बस गया था। सन 1989 में चौधरी चरण सिंह के मंत्रिमंडल में वित्त, कृषि और सिंचाई मंत्री रहे। 1984 में संसद से हार के बाद डेगाना विधानसभा में 22,000 वेद मतों से जीतने वाले बाबा ने जनता दल समझौते में ये सीट कल्याण सिंह कालवी को उपहार में दे दी। कांग्रेस के सोरग्राम में तापड़िया जी नामक उम्मीदवार थे तो बाबा का नारा था, ये तापड़िया है, मैं बोरी दे रहा हूँ, बोरी को ठूंस ठूंस के वोटों से भर दूँ। 18 अक्टूबर 1994 को बाबा कांग्रेस में वापस लौट आए। पुष्कर में आयोजित अखिल भारतीय सम्मेलन में उन्हें जाट श्रोमणी के सम्मान से नवाजा गया। आखिरी चुनाव में बाबा बीमार होते हुए भी संसद में जीतकर सांसद बने। 30 अगस्त 1946 को बाबा हम सभी को छोड़कर अंतिम चिर निद्रा में सो गए। राजस्थान ही नहीं संपूर्ण भारत में किसान शोक में डूब गए। बाबा ने जीवन भर किसानों की सेवा की, चाहे वे किसी संप्रदाय के हो, किसी जाति के हो, 36 कौम की सेवा करते रहे और जनता के सच्चे सेवक थे। बाबा उनकी आर्थिक स्थिति नागरिक के बराबर ही थी, जयपुर के मकान के अलावा उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी। जो कौम, समाज, देश, प्रदेश, अतीत का इतिहास वे महापुरुषों द्वारा बताए हुए त्याग बलिदान को भूल जाती है, उस कौम का पतन होकर ही रहता है। जो लोग उन्मान से प्रेरित होकर क्रांतिसूर बनते हैं वो आने वाली पीढ़ी के विनाशक बनते हैं। आज आप खुश हैं, हम मोदी को गाली निकाल रहे हैं, अशोक को गाली निकाल रहे हैं, अपने आप को बड़ा महान समझ रहे हैं, कुछ समय बाद राष्ट्रवादी बन रहे हैं, ये भटकने का मार्ग है, निश्चित ही आप भटक जाएंगे। ये भटकन भविष्यकाल को दिशाहीन बना देगी। जैसे अल्पविकसित बच्चे का गुरु माता पिता और शिक्षक होता है, वैसे ही 16 वर्ष से 35 वर्ष की आयु के नौजवानों का राजनीतिक गुरु नेता होता है। उन्मान का वोट भविष्य की खेती है, हमारे भविष्य का निवेश है। बस ठीक, मैं सभी भाइयों को यही कहना चाहता हूं कि इस 6 मई के मतदान में सोच समझकर, जो कि बुद्धिमान है, जो संसद में आपके मुद्दों को उठा सकता है, ऐसे ही उम्मीदवार को वोट देकर विजयी बनाए। और आपसे निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को देखकर सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कृपा करें।